बना था बनारस से कटकर, और वहाँ पर जमीन अधिग्रहण को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं रही, जिस कारण से सर आज की डेट में कलेक्ट्रेट भी फिलहाल निर्माणाधीन है। तो कलेक्ट्रेट में कम जगह होने के कारण और चुनाव क्योंकि एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, उसके लिए केवल 3 कमरे हाल ही में सर लिए गए थे कृषि विज्ञान केंद्र के लिए, और वो भी टेम्परेरीली सर कुछ महीनों के लिए। अब कलेक्ट्रेट सर निर्माणाधीन जो है वो 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो वापस वहाँ भूमाफिया इंडायरेक्ट में लग गए हैं। मैं चाहता हूँ DHO वाराणसी और विकास प्राधिकरण सचिव श्री विशाल सिंह जी की एक समिति बनाकर उसकी जांच करा दी जाए, मौजा फरीदपुर। अच्छा ठीक है, पंप के नाम से ये पंप जब ऑर्डर हम देते हैं तब वो कंपनी बनाना शुरू कर देती है और उसके बाद वो आप गेहूँ या धान क्रय करके उसी विलेज में स्टोर करने की ये भी शासन लेवल का निर्णय है, निर्णय हो जाएगा तो बहुत अच्छा सुझाव है। बकरी ना जाए हम तो पूजा मोदी के साथ फोटो खिंचावा। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए जो ST एक्ट का दुरुपयोग कुछ भूमाफिया उससे करवा रहे हैं उसको भी जांच की जाए, और ये डिजिटल मैंने कराई है इसका उसको पैसा इसका दिलवाइए। एक फोटो एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, एप्लीकेशन लिख करके हमें भेज दे दीजिए। ठीक है, आपका आपकी समस्या कोई व्यक्तिगत है उनके कैसे एक मिनट व्यक्तिगत नहीं है। उत्पादकता जो प्रदेश का औसत 27% के करीब है, 27.something है, उससे ऊपर उठ करके आपने जो कोशिश की है वह कोशिश आपकी चंदौली में 31.83 31% की 80% और जौनपुर में 31.22%, यानी प्रदेश के मानक से आप ऊपर जा रहे हैं। इसके लिए आप दोनों लोगों को, दोनों जनपदों के किसान भाइयों को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा यदि हम और प्रयास कर दें तो हम हरियाणा के बराबर पहुंच सकते हैं, हम थोड़ा सा प्रयास कर दें तो हम पंजाब के बराबरी में जा सकते हैं, और ये प्रयास हमारी उत्पादकता बढ़ाए जाने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन हुआ है, और इसलिए वो तौर तरीके तकनीकी के बारे में हमारे अधिकारियों ने चर्चा की है। मैं उसमें अपना समय अभी नहीं लगाना चाहता, जब आगे आपके बीच में आऊँगा तो मैं प्रयास करूँगा। मेरे मन में बहुत सारी बातें थी आपको कहने के लिए लेकिन समय के सीमाओं की वजह से मैं उसको कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 4-5 चीज़ें जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के लिए किया है और उत्तर प्रदेश के लिए उसको क्रियान्वयन करने का काम जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है पिछले 2-2.5 साल के भीतर, वो मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में मैं चर्चा करूँ। ये आज वाराणसी और मिर्ज़ापुर मंडल की खरीफ की उत्पादकता बढ़ाए जाने की दृष्टि से और उसके क्षेत्रफल के विस्तार से यहाँ पर गोष्ठी हुई है, और किसान भाइयों को कृषि विभाग की योजनाओं से और भारत उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की योजनाओं से उनको जानकारी दी गई है कि उन योजनाओं का वो लाभ उठा करके और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तकनीकी इस्तेमाल करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना, किसानों प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना और KCC के बारे में भी जानकारी दी गई है कि ये योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएंगी और उसके लिए वो अपना पंजीकरण करा लें, अपने जो अभिलेख हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो जमा कर दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात के लिए इच्छुक हैं कि उनको धनराशि उनके खातों में शीघ्रता के साथ भेजा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसके लिए इच्छुक हैं कि जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, इसलिए उसमें किसान भाइयों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। सर ये है गाड़ी वो है सर, किसानों की सिवाल ने बताया है कि सिवाल ने बताया है कि CM एक ईमानदार आदमी है लेकिन प्रदेश में अभी भ्रष्टाचार में आपके पटेल जी बाद में ले लीजिए। APC की बैठक है, माननीय मंत्री जी आए हैं और सचिव स्तर के अधिकारी आए हैं, तो जिले स्तर की जो समस्या है तो वहाँ तो किसान दिवस के माध्यम से सुलझ जाता है, लेकिन शासन स्तर की जो समस्याएं हैं सिंचाई की, चकबंदी की, बिजली की, वो ये बहुत उपयुक्त है ये सभागार जिसमें कृषि मंत्री जी है। हमारे यहाँ 60 दशक के लगभग 10 जलाशय हैं, उससे निकली हुई नहरें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब आपको बताएं कि समिति बनाकर हम लोग सिंचाई के माध्यम से इसमें सहयोग करते हैं, उसमें लगभग 80% सिंचाई 10 दिन में अगर होती है
तो 20% भी सिंचाई करने में 15 दिन लग जाता है, जिससे पानी का अपव्यय बहुत ज़्यादा होता है। नहरों का पुनरुद्धार कर दिया जाए तो हेड टू टेल सिंचाई भी होगी और पानी की बचत भी है। आप कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर से, सोम ग्राम सोनपुर मिर्जापुर से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।